नमस्कार। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे नया विवाद खड़ा हुआ है। बीजेपी मानती है कि इस फैसले से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली है, लेकिन विपक्ष मानता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक सभी नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस वालों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए उनको भी माफी मांगनी चाहिए। दोनों तरफ से लोकसभा में प्रिविलेज मोशन आए हैं। कांग्रेस के एमपी ने प्रिविलेज मोशन दिया है अटॉर्नी जनरल के खिलाफ, और बीजेपी के सांसद ने प्रिविलेज मोशन दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। राजनीति गर्मा गई है, लेकिन यह मामला राजनीति तक सीमित नहीं है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लोगों को मन में शक है, जनता के मन में न्याय प्रणाली के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमेशा आदर भावना होती है, लेकिन अगर मन में शक पैदा हो जा सकता है तो आदर भावना को ठेस पहुंचती है। अगर यह ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी कायम रहनी चाहिए, तो जनता को सवाल पूछने का हक है जो संविधान ने दिया है। इसलिए आज पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से चंद सवाल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि इवन इफ देयर आर लिटिल डेविएशंस, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। जनता पूछना चाहती है कि ये लिटिल डेविएशंस क्या है, कुछ गलतियां डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हुई है क्या? क्योंकि पिटिशनर का कहना था कि सरकार ने कुछ नियमों को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बदल दिया है, कुछ नियमों को बायपास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? राफेल फाइटर जेट के प्राइसिंग के बारे में कुछ कहने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को, राफेल कॉन्ट्रैक्ट को कैग ने ऑडिट किया है और उसका जो रिपोर्ट है वो पीएसी को, पब्लिक अकाउंट कमिटी को दिया गया है, और उसका एक संक्षेप में जो एक रिपोर्ट है, संक्षेप में रूप है, वो पार्लियामेंट को दिया गया है। ये तीनों बातें झूठ है। हमें सुप्रीम कोर्ट को पूछना है कि मिलॉर्ड, ऐसा आपने क्यों कहा? अगर कैग का रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुआ है, वो अभी प्रोसेस में है, तो पीएसी को कुछ मिलने का सवाल ही नहीं का था। अगर पीएसी को कुछ मिला नहीं तो एक रिडेक्टेड रिपोर्ट पार्लियामेंट को दिया गया, ऐसा आपने क्यों कहा? सरकार ने आपको गुमराह किया कि आपकी कुछ गलती हो गई? मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफे में, सील्ड एनवलप में कुछ जानकारी दी थी। जनता पूछना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन जो है कैग के बारे में या फिर पीएसी के बारे में, उस जानकारी के आधार पर है या नहीं? उस जानकारी में क्या था? क्योंकि सरकार ने इस फैसले के बाद एक एप्लीकेशन किया है। सरकार ने कहा है कि कैग के बारे में, पीएसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में कहा है वो सुप्रीम कोर्ट का मिस इंटरप्रिटेशन है। ये मिस इंटरप्रिटेशन इसलिए है कि सरकार कहती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोसेस बताया था कि ऑडिट कैग से होता है, फिर कैग का रिपोर्ट पीएसी के पास जाता है, फिर पार्लियामेंट को दिया जाता है, ये प्रोसेस बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ये प्रोसेस पूरा हो गया है, ऐसा जजमेंट में लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को, जनता को ये बताना चाहिए क्या ये सच है या झूठ है। गलती सरकार की है, गलत इंफॉर्मेशन की है, सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की, या गलती सुप्रीम कोर्ट के अंडरस्टैंडिंग की है? सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट देना या सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी देना बिल्कुल गुनाह है। अगर एफिडेविट गलत हो तो परजूरी की केस चल सकती है। जनता पूछ रही है कि अगर सरकार ने गलत जानकारी दी है तो क्या
सरकार को पूछा जाएगा, सरकार पर परजुरी की केस चलेगी। सीट एडवनप में जो था वो एफिडेविट था या फिर सरकार जैसे कहती है वो सिर्फ पॉइंटर्स थे। अगर पॉइंटर्स थे तो सरकार पर कुछ केस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट को, जनता को बताना चाहिए कि ये क्या था, सरकार ने जो जानकारी दी वो सच थी या गलत थी। कुछ लीगल एक्सपर्ट का ये कहना है कि सील्ड कवर्स में कुछ देने की जो परंपरा है वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। जनता पूछना चाहती है क्या सुप्रीम कोर्ट को ये मंजूर है? लोकतंत्र में सिंड एनवलप में कुछ जानकारी क्यों आती है? हम ये मानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी बहुत ही कम चीजें हैं। सरकार ने अगर प्राइसिंग के बारे में कुछ कहना है तो खुले कोर्ट में क्यों नहीं कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा है कि प्राइसिंग के डिटेल्स ओपन करने से एयर चीफ मार्शल ने इनकार किया है। उनका कहना है कि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, इसलिए ये डिटेल्स जो है प्राइसिंग के वो जनता के सामने नहीं रखे जा सकते। या फिर राफेल हवाई जहाज में वो वेपनरी है जो इसके साथ जो वेपन्स आने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स भी नहीं रखे जा सकते। सवाल ये है कि राफेल के क्वालिटी के बारे में या राफेल के वेपनरी के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं था, किसी ने भी राफेल के क्वालिटी को चैलेंज नहीं किया था। ये जो चार पिटिशनर कोर्ट के सामने आए उनमें से एक ने भी ऐसा कभी नहीं कहा कि राफेल लड़ाकू विमान खराब है, तो सवाल ही कहां आता है? या फिर एयरफोर्स के रणनीति के बारे में किसी ने सवाल नहीं पूछे, तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे बनता है? अगर एयर चीफ मार्शल ने यह कहा है तो सुप्रीम कोर्ट को, जनता को यह बताना चाहिए कि एयर चीफ मार्शल ने क्या खत लिखा था, एयर चीफ मार्शल ने जो जानकारी दी तो सुप्रीम कोर्ट को दी या फिर एयर चीफ मार्शल ने अपनी राय सरकार को बताई। ये सवाल हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एयरफोर्स के जो अफसर आए थे उन्होंने ये मुद्दा कभी नहीं उठाया। उन्होंने प्राइसिंग के बारे में या फिर ऑफसेट पार्टनर के बारे में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको दो सवाल पूछे, वो सवाल टेक्निकल थे। एक सवाल था 1985 के बाद राफेल जैसे जो हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान है, उनका कुछ इंडक्शन हुआ है क्या एयरफोर्स में? और दूसरा सवाल था राफेल थर्ड जनरेशन फाइटर है या फोर्थ जनरेशन फाइटर है, यह सवाल था। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पूछा गया, इसलिए शक बढ़ता है। ऑफसेट पार्टनर के बारे में कुछ कहने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। उनका कहना है यह मामला दो कंपनियों के बीच का कमर्शियल मामला है, लेकिन जनता पूछना चाहती है क्या यह सिर्फ कमर्शियल मामला है? 2015 तक ऑफसेट पार्टनर सरकारी कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड थी। जब मोदी जी 2015 को फ्रांस गए, पेरिस गए, तब ये बदल गया। अचानक अनिल अंबानी का प्रवेश इस पूरे नाटक में हुआ और अनिल अंबानी की कंपनी को, जो नई थी, जिनको कुछ अनुभव नहीं था, उनको ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। अगर मोदी जी के इंटरवेंशन के बाद ऑफिशियल या अनऑफिशियल अनिल अंबानी इसमें आए हैं तो ये दो कंपनियों के बीच का कमर्शियल मामला नहीं रहता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसे माना, यह सवाल हम उनसे पूछते हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है कि जजमेंट में जो गलतियां है वो गलतियां मिस इंटरप्रिटेशन है, उसको सुधारना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये गलतियां है? ये गलतियां सुप्रीम कोर्ट ने की है या सरकार ने की है? अगर गलतियां है तो सुधरी जाएगी या नहीं, इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। गलतियां करना मनुष्य स्वभाव है, लेकिन गलतियां अगर होती है तो उनको मानना भी चाहिए और उनको रेक्टिफाई भी करना चाहिए। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट ये करेगा? सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह का कहना है कि ये जो पूरा जजमेंट है
वो नल एंड वॉइड है। इसका कारण वो ये देती है कि ये जजमेंट अगर गलत इंफॉर्मेशन पर आधारित है, गलत जानकारी पर आधारित है, तो वो कानून की कसौटी पर नहीं उतरता, इसलिए उसको रद्द करना चाहिए। उनकी ये मांग है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस जजमेंट को रिकॉल करना चाहिए। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने भी यही मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि अगर ये जजमेंट नल एंड वॉइड है, इसमें लीगल प्रॉब्लम है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट रिकॉल करेगा? अंत में फिर एक बार हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमारे मन में, देश की जनता के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और न्याय प्रणाली के बारे में आदर है। हम सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला देने वाले जजों के बारे में या उनके मोटिव के बारे में कुछ सवाल नहीं करना चाहते। हमें उन पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम मानते हैं कि सवाल पूछने का हमारा अधिकार है और सवाल पूछने के बाद हमें उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम। जनता जो है, जनता सुप्रीम है, जनता ही राजा होती है।